आगे बढ़ते हैं, वासंतिक नवरात्र की बात करते हैं। महाअष्टमी तिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ के योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में शक्ति पीठ पर विधि विधान से मां गौरी की पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परंपरागत तौर पर पूजन हवन आरती की। बीजेपी राज्य मुख्यालय में 11 अप्रैल से शुरू होगी मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जहां मंत्री विभागीय योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। बीजेपी संगठन ने यह रणनीति बनाई है। पहले सप्ताह डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जानकारी देंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जितिन प्रसाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जितने भी विभाग की जिम्मेदारी मंत्रियों के कंधे पर है, अपने अपने विभाग से जुड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी जानकारियां साझा करेंगे। ये हर एक विभाग का लेखा जोखा होगा, जो सार्वजनिक किया जाएगा। जो जरूरी जानकारी है जनता तक पहुंचनी है, हर जिम्मेदार मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी चर्चा तो विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही लगातार चल रही थी, लेकिन आज शिवपाल यादव ने जो किया उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि जल्द ही शिवपाल यादव बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रहे हैं। इसका इशारा खुद शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल का कवर पेज बदल करके कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, शिवपाल यादव ने सिर्फ ट्विटर का कवर पेज नहीं बदला है, बल्कि सियासी अटकलों को भी हवा दे दी है। आज विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के दौरान भी इटावा में शिवपाल यादव ने अपने दो अलग अलग बयानों से अखिलेश यादव से बढ़ती दूरियों को इशारों में बयां किया, और वहीं कोई जल्द बड़ा फैसला लेने के संकेत भी दे दिए। सुनिए मतदान से पहले और बाद में शिवपाल यादव ने क्या कहा। प्रदेश भर के नतीजे किस तरह आ रहे हैं? मुझे नहीं पता। इटावा वोट डालने जा रहे हैं, किस तरह यहाँ के अब आप देख लेना, हम जा करके हम भी जा रहे हैं वोट डालने। वोट डालने जा रहे हैं? नेताजी भी आए हुए हैं, इसके लिए आप मिलो जा करके। इस पर अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर तो चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ बहुत कुछ बयां कर रही है। सर घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बड़ी? बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवमी के बाद सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैंने कहा, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो।